हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारीपुर में। मैं सूरज कुमार, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में सौर मंडल के बारे में कुछ बताया था, तो इसमें कुछ ग्रह छोड़ गए थे, तो उसको आज ग्रहों से रूबरू करवा देना चाहता हूँ। तो आइए हम लोग पहले चलते हैं बुध। बुध के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बुध, जिसे मरकरी भी कहते हैं, बुध इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। इसके बारे में जान लेते हैं पहले पहले इसका परिक्रमण काल। परिक्रमण काल हम लोग बोलते किसे हैं? जब बुध सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेगा, तो उसी को परिक्रमण काल बोला जाता है। तो बुध का परिक्रमण काल कितना है? बुध का परिक्रमण काल, तो हमारा बुध का परिक्रमण काल है 88 दिन। 88 दिन में क्या होता है कि हमारा बुध ग्रह है वह सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। अगला बात की जाए बुध के बारे में, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, तो यहां से स्पष्ट हो रहा है। तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है हमारा? बुध। तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह, सूर्य के सबसे निकट ग्रह हमारा कौन सा हो जाएगा? बुध। बुध के बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी, तो बुध के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। क्या है? बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके पास एक भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह की बात कर ली जाए, उपग्रह किसे कहते हैं? ऐसे ग्रह उपग्रह किसे कहेंगे जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहेंगे। तो बुध के पास अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, नहीं है। पांचवें पॉइंट की बात की जाए, तो बुध सबसे निकट है, तो सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाएगा। क्या करेगा? सबसे तेज चक्कर लगाएगा, तो इसका परिक्रमा क्या हो जाएगा? सबसे तेज हो जाएगा। और इसके बारे में देख लेते हैं, तो यहाँ पर दिन का तापांतर, यहाँ तापांतर का बहुत ही अंतर होता है। तो यहाँ पर दिन का तापांतर बहुत ही डिफरेंस पाया जाता है। क्या होता है? बहुत ही डिफरेंट पाया जाता है। यहाँ पर दिन में टेम्परेचर कितना होता है? दिन में चला जाता है 427 डिग्री सेल्सियस तक। और वहीं रात की बात की जाए, तो रात में -173 डिग्री सेल्सियस तक रात का टेम्परेचर पहुँच जाता है। लास्ट और छठा जानकारी इसके बारे में, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं से आता है, होता है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। क्या बात पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर नोट्स बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट उपग्रहों के बारे में। नेक्स्ट हमारा ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अब शुक्र पर चर्चा की जाएगी। शुक्र,
अब शुक्र के परिक्रमण काल की बात की जाए, शुक्र के परिक्रमण काल की बात की जाए, शुक्र सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 225 दिन का समय लेता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, सूर्य का परिक्रमण काल 225 दिन हो जाएगा। और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह एक भी नहीं है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह क्या है, नहीं है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसे भोर का तारा या सांझ का तारा या सौंदर्य की देवी भी हमारे शुक्र को बोला जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ली जाए, तो नेक्स्ट है हमारा, इसे पृथ्वी का बहन या पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का बहन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का वाहन कहते हैं। वह शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला सबसे चमकीला ग्रह हमारा क्या है, शुक्र है। यह चमकीला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, वो भी लगभग कार्बन डाइऑक्साइड 98%, इसलिए यह चमकीला है। और हम लोग जानेंगे पृथ्वी ग्रह के बारे में कि पृथ्वी से संबंधित क्या क्या जानकारियां हैं। तो आइए हम लोग पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा है पृथ्वी, पृथ्वी इसका परिक्रमण काल, पहले परिक्रमण काल की बात कर ली जाए, इसका परिक्रमण काल हमारा है 365 सही 1/4 दिन। 365 सही 1/4 दिन में क्या करता है, पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेता है, इसलिए इसका परिक्रमण काल हो जाएगा हमारा 365 सही 1/4 दिन। पृथ्वी ही हमारा एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यहाँ पर जीवन पाया जाता है या जीवन संभव है। इस ग्रह के बारे में बात करूं और आगे, तो इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो हमारा पृथ्वी है, इसे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है, जल की अधिकता के कारण हमारा पृथ्वी क्या है, नीला दिखाई देता है, जल की अधिकता के कारण। जल की अधिकता के कारण
जल की अधिकता के कारण हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी का रंग नीला होता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो हमारे पृथ्वी पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, क्या है, 23.5 डिग्री झुका है। 23.5 डिग्री क्या है, झुका है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ग्रह मंगल के पास। अब मंगल के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा है मंगल। मंगल किस ग्रह में आएगा, आंतरिक ग्रह में, या पृथ्वी ग्रह या ठोस ग्रह। ये हमारे चारों जो ग्रह है ये ठोस है, और यह जो है हमारा क्या है, क्षुद्र पट्टी है। क्षुद्र पट्टी के उधर क्या हो जाएगा, गैसीय ग्रह, या उसे बृहस्पति ग्रह कहेंगे। ठीक है, तो मंगल की बात की जाए, पहले इसके परिक्रमण काल की तो मंगल सूर्य का एक चक्कर लगाने में 687 दिन का क्या लगता है, इतने दिन का समय लेता है। सूर्य का परिक्रमण काल हो जाएगा हमारा 687 दिन हो जाएगा। सेकेंड हो जाएगा हमारा, इसके रंग की बात की जाए तो इसका रंग मंगल ग्रह के रंग की बात की जाए तो इसका रंग हमारा क्या होता है, लाल होता है। लाल होने का कारण क्या है, तो इसमें रेड ऑक्साइड, या इसे हम लोग आयरन ऑक्साइड बोलेंगे, आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर अधिकता है। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता है, इसलिए हमारे मंगल मंगल ग्रह का रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाता है। इसके पास दो उपग्रह हैं, कितने उपग्रह हैं, दो उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं, पहला है फोबोस, पहला क्या हो जाएगा हमारा फोबोस, और दूसरा हो जाएगा डिमोस। तो अब डिमोस की बात कर ली जाए तो डिमोस हमारा क्या है, सौर मंडल का, सौर मंडल का सबसे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हमारा डिमोस ही है, जो कि मंगल का एक उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह क्या हो जाएगा, डिमोस। और हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अपने बृहस्पति के पास। तो बृहस्पति के बारे में आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि बृहस्पति जो हमारा ग्रह है सबसे बड़ा है, और यह एक गैसीय ग्रह है। क्या है, गैसीय ग्रह बृहस्पति, इसे जुपिटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, जुपिटर भी। तो बृहस्पति क्या हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा
ग्रह क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा बृहस्पति। अब इसके परिक्रमण काल की बात कर ली जाए, परिक्रमण काल, तो बृहस्पति का परिक्रमण काल हमारा है 11.2 वर्ष, 11.2 नहीं, 11.9 वर्ष, या लगभग 12 वर्ष। क्या हो जाएगा हमारा, 12 वर्ष हो जाएगा। तीसरा, गैनीमेडे, गैनीमेडे क्या है, गैनीमेडे क्या है, बृहस्पति का एक उपग्रह है जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है। उपग्रहों में सबसे बड़ा हमारा बृहस्पति का उपग्रह क्या है, गैनीमेडे, सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा हमारा गैनीमेडे, वो भी किस ग्रह का, बृहस्पति ग्रह का। नेक्स्ट बात कर ली जाए तो इसके पास कितने उपग्रह हैं, तो सर्वाधिक बृहस्पति के पास, सर्वाधिक उपग्रह, सर्वाधिक उपग्रह हैं वो भी कितने हैं, तो आपको बता देना चाहता हूँ ये 67 है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को क्या कर देता है कि बृहस्पति के पास कितने चंद्रमा हैं, ऐसे करके क्वेश्चन को पलट देता है, तो बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो इसमें भ्रमित होने वाली कुछ चीज नहीं है, तो बृहस्पति के पास 67 उपग्रह है, या इसी को चंद्रमा कह ली जाए, तो 67 चंद्रमा है। नेक्स्ट बात किया जाए बृहस्पति की, तो इसके रंग की बात कर ली जाए, रंग बृहस्पति का रंग हमारा क्या, कैसा है, तो पीला है। पीला होने का कारण क्या है, तो यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा पे सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए बृहस्पति का रंग हमारा क्या होता है, पीला होता है। अब बृहस्पति के बारे में और जान लेते हैं, छठा पॉइंट हमारा क्या है, इसका घूर्णन क्या है, घूर्णन सबसे अधिक है, इसका घूर्णन सबसे अधिक है, सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा घूर्णन किसका है, तो हमारा बृहस्पति का है। तो हमारा नेक्स्ट ग्रह है शनि, शनि के बारे में चर्चा कर ली जाए, ये हमारा हो जाता है शनि ग्रह। पहले शनि ग्रह के परिक्रमण काल की बात कर ली जाए, परिक्रमण काल, तो हमारे शनि ग्रह का परिक्रमण काल है कितना है, 29 वर्ष। शनि ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 29 वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसका परिक्रमण काल कितना हो जाएगा हमारा, 29 वर्ष। इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे तैरता हुआ, इसे तैरता हुआ ग्रह कहते हैं, इसे तैरता हुआ ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह तैरता है। नेक्स्ट बात कर ली जाए इसके घनत्व की, तो हमारे शनि ग्रह का घनत्व है 10^-6 ग्राम प्रति सेमी क्यूब, इसका मात्रक है। तो हमारे शनि ग्रह का घनत्व जो होता है 10^-6 ग्राम प्रति सेंटी
या सेमी क्यूब है? इसके उपग्रह की बात कर ली जाए, उपग्रह, उपग्रह की संख्या, तो शनि के पास उपग्रह की संख्या कितनी है? इसे उपग्रह की संख्या बोले या चंद्रमा की संख्या? या चंद्रमा, इसे उपग्रह की संख्या या चंद्रमा की संख्या बोले? कितना हो जाएगा हमारा? 63। ये हमारा दूसरा ऐसा ग्रह है जिसके पास सर्वाधिक मात्रा में उपग्रह हैं। इसके रंग की बात कर ली जाए तो शनि शनि जो हमारा ग्रह है, इसका रंग हमारा होता है काला रंग। कैसा रंग होता है? काला रंग होता है। और हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ग्रह के पास। तो हमारा नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? अरुण है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। कौन, कैसा ग्रह? लेटा हुआ ग्रह। क्या बोला जाता है अरुण को? लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है। इसके परिक्रमण की बात कर ली जाए, परिक्रमण काल, तो इसका परिक्रमण काल है हमारा 84 वर्ष। क्या हो जाएगा परिक्रमण काल हमारा? हो जाएगा 84 वर्ष। 84 वर्ष में हमारा शनि जो अरुण ग्रह है, एक सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाता है। अब इसके रंग की बात कर ली जाए, रंग की बात कर ली जाए तो हमारे अरुण ग्रह का रंग होता है हरा कलर। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। और इसमें इसमें भी शनि ग्रह की तरह रिंग वलय छल्ले पाया जाता है। रिंग वलय छल्ले क्या होता है? पाए जाते हैं। शनि ग्रह में बताना भूल गया मैं, शनि ग्रह में भी रिंग वलय छल्ले पाए जाते हैं जैसा कि दर्शाया गया है। इसमें कितने रिंग वलय छल्ले पाए जाते हैं शनि ग्रह में? तो इसमें टोटल 10 पाए जाते हैं, जिसमें से 7 रिंग वाले छल्ले स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अब इसके उपग्रह की बात की जाए तो उपग्रहों की संख्या, उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो अरुण के पास उपग्रहों की संख्या हमारी है 27। अरुण ग्रह में मेथेन, मेथेन और अमोनिया गैस, मेथेन और अमोनिया गैस क्या होती है? सर्वाधिक मात्रा में क्या होती है? पाई जाती है। मेथेन क्वेश्चन पूछता है कि मेथेन और अमोनिया गैस या अमोनिया गैस या मेथेन गैस किस ग्रह में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वो हमारा हो जाएगा अरुण ग्रह। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट और आखिरी ग्रह के पास चलते हैं, वरुण के पास। ये हमारा आखिरी है, वरुण रहेगा। तो अरुण वरुण का परिक्रमण काल हो जाएगा हमारा 165 वर्ष। कितना हो जाएगा? 165 वर्ष। या सूर्य का एक चक्कर 165 वर्ष में क्या होगा? लगाएगा। इसके रंग की बात की जाए तो वरुण का रंग हमारा भी होता है हरा होता है। आपको फिगर से स्पष्ट हो जा रहा है कि सूर्य
सूर्य से सबसे दूर ग्रह? सूर्य से सबसे दूर ग्रह, सबसे दूर ग्रह हमारा क्या हो जाएगा? वरुण। फिगर से आपको स्पष्ट हो जा रहा है, और यह भी स्पष्ट होगा या आप सोच सकते हैं कि जो ग्रह सबसे दूर रहेगा वो वह ठंडा भी होगा। तो सबसे ठंडा ग्रह हमारा क्या हो जाएगा? वरुण। सबसे ठंडा ग्रह क्या हो जाएगा? सबसे ठंडा ग्रह वरुण। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें।